उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, सेवादार हो या भक्त हो उसे भगवान की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। भक्त वही है जो सिर्फ सिर्फ भगवान का कार्य पूर्ण करने के लिए दिन रात लगा रहे। सिर्फ ठाकुर जी का, तो इन चार प्रकार के भक्तों में, अच्छा चार भक्त और हमने लिखे, कहो तो सुनाए। अब आज के जमाने में चार प्रकार के और भक्त होते हैं, जरा सुन लो। जो चार प्रकार के भक्त होते हैं हमने शायद लंदन में सुनाए भी थे, असली, नकली, दकली, फसली। हाँ, ये चार प्रकार के भक्त होते हैं, ये नए निकाले हमने, असली, नकली, फसली, दकली। अब चारों के जरा विस्तार सुनो। पहला कौन सा है? असली। असली भक्त ऐसा होता है जिसे सिर्फ भगवान की प्रसन्नता से मतलब होता है, जैसे गोपियां अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूप मुका स्वादन बत प्रकाश्यते पापी पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धिमानम विछन्नम। नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं गोपियों का प्रेम अनिवर्चनीयम है, कह नहीं सकते ऐसा प्रेम है। जैसे गूंगा व्यक्ति फल का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही ब्रज की ब्रजांगनाओं की गोपियों का प्रेम भगवान से कितना है कहा नहीं जा सकता। गोपियां तो कहती हमारे सर्वस्व प्राणेश्वर प्राणधन भगवान श्री ठाकुर जी हैं, आपसे हम क्या कह दें। अब आप लोग बैठे हो तो सुन लो, 100 साल का वियोग गोपियों ने सहा, तुम लोग 100 मिनट का नहीं सह सकते। 4 मिनट गुरुजी ना मिले तो गुरुजी बदल देता आदमी। हाँ, हमने तो ऐसे भी देखे, एक दिन गुरुजी ना मिले मंगोरा सो फूल जात आगी को लोगों नक कटा, जैसे बड़ा फूल जात मठा में डालवे के बाद वैसे ही वो फूल जात। एक दिन ना मिलो गुरु के चेहरा की फोटो खींचो, जैसे 4 कौन मसक दे हो रगड़ के। हाँ, सच बता रहे हैं आपको। लेकिन धन्य है गोपियां, 100 वर्ष तक गोविंद की याद में ब्रज की गली में बैठी नहीं, लौट कर शिकायत कभी नहीं की। और गोपियों से कोई पूछता था कि तुम्हें शिकायत नहीं है, गोपियां कहती हैं जिसमें हमारे गोविंद की रजा है हमें उसी में मजा है। ये गोपियों का भाव था, जैसे हमारे प्रियतम, प्रेमी वही है जिसमें प्रियतम प्रसन्न रहे, वरना प्रेम नहीं स्वार्थ है। जिस प्रेम में लेना देने की बात हो वो प्रेम नहीं बिजनेस है। आजकल प्रेम बिजनेस का ज्यादा होता कि हमारे ऊपर चमत्कार कर दें तब हम सेवा करें। एक पहले लोग हमारे पास बहुत आते थे, अब तो थोड़ा कम हो गए। गुरुजी हमारे घर में भड़ा है, अगर वो मिल जाए तो हम आदो दान दे दें ठठरी के भरे। अरे भाई यही करना होता तो तुम्हारा क्यों निकलवाते, हम खुद का नहीं निकाल लेते, 50 का पूरा ले लेते। बोलो सीताराम, सांची है कि नहीं। एक और पहले आया कर, अब कुछ दिनों से बेबी बंद हो गए। महाराज जी हम आओ जो काम हो जाए तो हम 2 बिटियन को ब्याह करवा दें, ऐसे लोग भी आते हैं। महाराज हमारा ये सफल हो जाए तो हम पूरे में पंडाल लगवा दें, टेंट लगवा दें। अरे भैया ये छोड़ो, खाक की बात है, बिजनेस थोड़ी है कि जब भगवान तुम पे कृपा करें तब तुम करो, इससे अच्छा तो कुछ बोलो ही मत। ऐसा कहने वाला व्यक्ति नरक का गामी होता है जो भगवान को लोभ दिखाता है, ये पाप है, इसका हम घोर विरोध करते हैं व्यासपीठ से। जो भगवान से पार्टनरशिप करना ठीक है, समझौता करना ठीक है, पर भगवान को लालच दिखाकर कोई काम की पूर्ति की याचना करना या मनोरथ करना या कामना करना या संकल्प लेना या दृढ़ता करना या निवेदन करना या प्रश्न करना, ये पाप पूर्वक बात है। ऐसा करना घोर पाप है, घोर पाप।
तुम कहो कि नहीं, क्या भगवान को तुम्हारे पैसों की जरूरत है? भगवान की जेब देखी कभी काऊ ने? बोलो नहीं। और हम लोग इतने स्वार्थी, अरे इतने स्वार्थी हैं हम आप, नारियल फोड़ते हैं, कहां जा रहे, प्रसाद लगावे जा रहे, नारियल फोड़ के खपरिया भगवाना धरे आओ, गरीगोला लुगाई है खबाओ। हाँ, आपके हम स्वार्थ की क्या बता दें,